सवेरे छुट्टी के दिन आमद ही आमद हो रही है। लो भाई आज की साड़ी शायरी अम्मियों के नाम। अरस किया है मैं वो बात कैसे समझू जो अम्मी ने मुझे समझाई नहीं, वो राज में राज कैसे रखूं जो राज तुमने छुपाया नहीं, मैं मीठी बातें कैसे करूं जब मिठाई मैंने खाई नहीं, मैं चंदा को मामा क्यों कहूं जब वो मेरी अम्मी का भाई नहीं। वाह 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 जुड़े जा आज तो तू छा गई है, इस पे तो एक गड़म गड़म कप चा का बनता है, चलो भी चाय पीते हैं जाके। वाह 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 क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो कपड़ों में? निकलो इन कपड़ों से। कपड़ों से सफंगम, ये गंदे कपड़े हैं धोने वाले। ओहो क्या हो गया तुम्हें सुमेरा, तुम सुबह से मुझे शिकायत कर रही हो। ये पूरे हफ्ते के गंदे कपड़े। तभी मैं घूम मेरी नाते क्यों सब गई है? देखो इतनी तेज है, उसने सारे हफ्ते के कपड़े सेव किए ताकि संडे को मैं धोऊं। शी इज वेरी शार्प। शार्प नहीं होता, शार्प होता है। अच्छा और सफंगम तुम जाकर नूरजहां को कहो कि ये जो संडे ऑफ है ना इसको ऑन करे, मुझसे काम नहीं होता। ओहो सुमेरा क्या हो गया तुम्हें? देखो अब तो मजदूर यूनियन ने भी कह दिया है कि 8 घंटे काम होगा और हफ्ते में एक छुट्टी होगी। तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? मुझे लगता है तुम भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वो भी तो है। क्या? नहीं ये बात भी ठीक है कि तुम मेरी बीवी हो। जाओ नूरजहां को कह दो कि उसकी संडे की ऑफ छुट्टी ऑन, और जाकर सारे कपड़े धोए। और अगर वो ना मानू तो? तुम धोगे। प्याला कितना फंस गया हूँ मैं, दो दो वीडियो के होते हुए भी। लो जी अड़स किया है ये मग्गा ये चूल्हा ये बोतल ये चाय, तेरी याद सताए तेरी याद सताए। नूरजहां तू मेरा दिल दुखाए मेरा दिल दुखाए। नूरजहां मैंने शौहर होने के नाते एक फैसला किया है। सुमेरा को तलाक देगा? नहीं, तुम संडे को काम करोगी, ये मेरा हुक्म है। अभी जा तेरा हड़क हो तेरा। सुमेरा के हो गए तुम शौहर, उस पे जाके रोब शोब डालो, नूरे जहाँ को हल्का ना लो। नूरे जहाँ प्लीज हेल्प मी। अंग्रेजी आती है तुम्हें? हाँ बोली अच्छी बोल लेता हूँ मैं। लुकने को आसमान सिखाए, पिजन कबूतर उड़न फुलाए। लो फिर सॉरी, इतवार को नूरे जहाँ की हॉलीडे होती है। अच्छा नूरे जहाँ चलो सिर्फ ये कपड़े धो दो। कपड़ों से याद आया, दरभंगा मेरे भी कपड़े धो दो ना। है सुमेरा के कपड़े धो रहे हो तो मेरे भी धो दो। कर देती तो क्या था नूर जहाँ, फिर मुझे चाय का कप तो पिला देना। ओए मेरे मालिक, ओए याला, ओ इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। अगर दो शादियां करना जुर्म है तो मुझे सजा दो, सजा दो, सजा दो। ये लो। और तुम ऐसा? हाँ हाँ सफंगम मैं ढूंढ रही हूँ और देख रही हूँ, और कपड़े मिलेंगे तो मैं दे दूंगी, तुम फिक्र मत करो। ओए बजाय मेरे साथ हमदर्दी करने के वो कोनू खुतरों से भी कपड़े ला ला के फेंक रही है, दुल्हन में कपड़े भी दोबारा से तुलवा रही है। जाओ हमसायों से भी लेके आ जाओ कपड़े। ठीक है कह रही है ठीक है। और जल्दी से तो होके उठे है, और ये फोन किसका आ गया है? ओए अल्लाह किथे जावा। हेलो यस सफंगम स्पीकिंग, क्या कर रहा हूँ? कपड़े धो रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, चेंज। जी जी क्या? हाँ ये साफ तो है लेकिन और साफ तो। सुमेरा तुम पहले डिसाइड कर, तो मुझे बुला रही हो नूरजहां को? दोनों को। दोनों को क्या? ओए दोनों को तो पास दो। एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? 50 लाख गिरा हड़क, 50 लाख
क्या मतलब? ओए सुमेरा, अभी ना शेर दिलावर का फोन आया है, वो मुझसे 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं। तुमसे? हाँ तो मैं इंश्योरेंस करता हूँ, मैं कोई नान कबाब बेचता हूँ। वैसे बड़े मजे के कबाब बनाते, मुझे लगता है तुमने सुनने में गलती की है, उन्होंने 5 लाख का होगा। ओए नहीं सुमेरा, मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से सुना है 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस। वो एक घंटे के अंदर अंदर ना इधर आ रहे हैं। तुम्हारे सेठ दिलावर खुद इधर आ रहे हैं इंश्योरेंस के लिए? हाँ, और देख लो मेरी इंश्योरेंस का कहाँ तक वैल्यू हुई है। 50 लाख की इंश्योरेंस है तुमसे? मुझे यकीन नहीं आ रहा, आई एम सॉरी। ओए नहीं, बात तो सुनो सुमेरा, इसे पता ही नहीं है 50 लाख की कमीशन की अभी हमने प्लानिंग कर दी थी। तुम्हें पता है कमीशन कितनी होती है 50 लाख की? इतने अभी से उतर गई है, और जब इसके पास कमीशन आ गई फिर इसका क्या हाल होगा। मैं अभी आया नूजा। ओए सुनो सुमेरा, मेरा अड़क सुमेरा को इतने पैसे मिल गए तो वो अमीर हो जाएगी, अमीर हो गई तो बहुत मगरूर हो जाएगी, और मगरूर हो गई तो मुझे तड़फंगम से दूर कर देगी। आए मैं मर गई, इसे दिलावर का कुछ करना पड़ेगा मुझे। तुम्हेरा, वो ये देखो मेरी कमीशन में कितने जीरो आए हैं, इतने जीरो तो मेरे रिजल्ट में आते थे सिर्फ। तड़फंगम, आई डोंट केयर, चाहे जितने जीरो हो जाए मैं काम नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, माफी नहीं। ओ देखो, तुमने सिर्फ चाय बनानी है, कोई आंधा तो नहीं चलना ना, नूजा छुट्टी पे है। तो तुम समझो कि मैं भी छुट्टी पे हूँ, जाओ उसको पूछो। काश तीसरी होती। क्या? नहीं, मैं उसी से पूछ लेता हूँ। खराब कर दी मेरी नेल पॉलिश। नूजा, वो सेठ दिलावर आ रहा है। देखो वैसे तो तुमने कोई काम नहीं करना, बस सिर्फ चाय बना देना उसके लिए। मेरी बात तो सुनो, मेरी एक वो बात सुनो ना, ये कोई काम नहीं है, सिर्फ चाय बनानी है तुमने। हाँ, और देखो खाली चाय तो फिर तुझे पिलाते हुए बुरा लगेगा ना, ऐसा करना साथ थोड़ी सी ना कीमे की टिक्कियां बना लेना है, कीमे की टिक्कियों के साथ ना स्लाइस ले आएंगे तो वो सैंडविच बन जाएंगे। अब सैंडविच रुके रुके तो नहीं खाएंगे ना, तो थोड़ी उसी चटनी बना लेना। क्या लजीज चटनी बनाती हो तुम कसम से, और जब इतनी लजीज चटनी बनाओगी तो थोड़े से साथ पकौड़े भी बना लेना। वाह वाह वाह, ये काम नहीं है, ये तो एंजॉयमेंट है ना। हाँ एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट। तो फिर ये एंजॉयमेंट तरफंगम तुम खुद करो। ये जो नूजा सेठ दिलावर आ रहा है, वो आएगा मुझसे इंश्योरेंस करवाएगा, कमीशन मिलेगी, वादे वादे न्यादे हो जाएंगे। इसमें मेरा क्या फायदा है? तुम मेरी बीवी हो, मेरा फायदा तुम्हारा फायदा, तुम्हारा फायदा मेरा फायदा। झूठ, तुम मेरी बीवी नहीं हो। तुमने सारे पैसे ना लाके सुमेरा को दे देने और उसने याशी में उड़ा देने, मुझे पता है। नहीं नहीं, सारे पैसे याशी में नहीं उड़ाएगी, तुम्हारी तनख्वाह भी तो देगी ना। क्या, सारे घर का काम मैं करती हूँ, उसके बाद से तनख्वाह लूँ मैं? मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे पैसों पे मेरा हक है, बराबर का हक है। मुझे सेठ दिलावर से पैसे निकलवा के दो तुम। पहले पैसे आने तो दो, अभी पैसे आई नहीं है, तुम लोगों ने पहले चेर मेर कर दिया आपस में। मेरी एक बात काम खोल के सुन लो, अगर तुमने चाय नहीं बनानी ना बनाओ, मैं खुद चाय बना लूंगा, और जब नूरे जाम मेरे पास पैसे आएंगे ना, मत सुनो मेरी बात, पछताओगी तुम, देखना। पता है मुझे सारे के सारे पैसे इसने ना सुमेरा को दे देने और उसने याशी में उड़ा देने। आने दो उससे दिलावर को, ऐसा उसका हशड़ करूंगी ना कि याद करेगा वो। हाँ टाइमिंग है इसकी। फरमाइए। आप तफंगम? जी जी। आपकी आवाज औरतों जैसी क्यों? हाँ ये क्या बात की आपने, तड़फंगम की औरत हूँ, आवाज औरतों जैसी होगी? मैं आपकी बात समझा नहीं, आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही? आपका मुंह भी ना बड़े बलफ जैसा है, फ्यूज होना बनता है उसका। सीधी तरह बताएं मुझे आप, क्या आप तड़फंगम से क्यों मिलना चाहते हैं? वो बड़े मसरूफ हैं, उनके पास वक्त नहीं है, किसी सेठ दिलावर का इंतजार कर रहे हैं वो। तो सेठ दिलावर मैं ही तो हूँ। आप सेठ दिलावर हैं? वो 50 लाख वाले? तो पहले क्यों नहीं बताया, आप ही का तो इंतजार हो रहा है। आ जाए चले। वो आप कल ही आए? क्यों? मेरा मतलब है आपका घोड़ा किधर है, पार्किंग में? हाँ जी हाँ। आ जाए नूरे जहाँ, नूरे जहाँ।
नूजा। ओ ये भाई के दरवाजे की बेल बजी थी, कौन आया? नूजा आपने मुझे याद किया? ओ तुम अंदर स्टोर में क्या कर रही हो? बेल तो बाहर बजी है दरवाजे की। हट बात है, मैं आपको बता सकती। अच्छा भाई कौन आया था? फकीर। ओ फकीर आया था, क्या कह रहा था? कह रहा था तड़फंगम साहब को सिग्नल पे भेजो, ड्यूटी का टाइम हो गया है। ये जुबान। अरे तड़फंगम, फकीर आया था ना, फकीर ने क्या कहना था? पैसे मांगने आया था और क्या। वो तो मुंह पे मांगने थे पैसे उसके। मार दिया मैंने 100 रुपए उसके मुंह पे मार दिया। ईद मुबारक वाला, मारे बटवे वाला। ओ तेरा भला हो जाए। ओए वो आखिरी नोट था मेरे बटवे में। चलो आज इंश्योरेंस हो जाएगी तो फिर नोट ही नोट हो गए तो पंकज तेरे पोछे पे। बर्दार जो तुमने शोर किया, ये यहाँ से भागने की कोशिश की, तुम्हारा गला दबा दूंगी मैं, समझे तुम? बड़ा आया सेठ दिलावर, मुसीबत डाल दी है मुझे। सुमेरा को तो उम्मीद करेगा, उम्मीद करेगा, देखती हूँ कैसे करेगा। अभी नूरे जहाँ जिंदा है, मरी नहीं है। जानते नहीं हो तुम नूरे जहाँ को? नूरे जहाँ की मर्जी के बगैर अब तुम यहाँ से हिल नहीं सकते। चलो हिल तो सकते हो, उठ नहीं सकते। जरा उठ के दिखाओ ना मुझे। चलो मैं 3 तक गिनती हूँ, उठने की कोशिश करो ना जरा। ओए याला सेठ दिलावर आया क्यों नहीं अभी तक? आ जाए याला, मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी हुई, पता नहीं किस कमाश का आदमी है। आ जा तपांगम। तुम्हारा क्लाइंट नहीं आया? नहीं सुमेरा। मैं तुम्हें बताऊं, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया? नहीं नहीं कसम से मेरा किसी के साथ कोई मजाक नहीं है। तपांगम तो खुद मुझे बताओ, महंगाई के दौर में 50 लाख की कौन इंश्योरेंस करवाएगा? नहीं 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 ऐसी बात बिल्कुल मुंह से ना निकालना, मेरा दिलावर आएगा, जरूर आएगा। तुमको कॉल कर लो ना। मेरे पास उसका नंबर नहीं है ना। संगम जिस नंबर से कॉल आई है वहाँ करो ना। हाँ तो बताओ कितनी अच्छी बात की, मेरी ऐसी मत तुम्हारी कहती दो शादियाँ करके। दो क्या? दौर कैसा दौर जा रहा है आजकल के जमाने में, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। किधर बज रहा है, किधर बज रहा है? मर गई है तो तड़फंगम का फोन है। क्या करूँ क्या करूँ, तुम तो चुप करो तो मैं गोली मार दूंगी तुम्हें। सुमेरा ये तो कवाली चल रही है, कहीं मर तो नहीं गया दिलावर? चलो ना बात करो। हेलो हेलो हेलो, यस तड़फंगम स्पीकिंग। तेरा गड़क यदा मैं सेठ दिलावर साहब से बात करवा दे। उनसे बात नहीं हो सकती, उनके मुंह में कपड़ा है। मेरा मतलब है कि वो कपड़े ना उतार के ना तोड़ आ रहे हैं। अरे आप कौन बोल रही है? नूरे जहाँ। क्या? मेरा मतलब है, मेरा नाम नूरे जहाँ है, सेठ दिलावर ने ना बड़े प्यार से रखा है। वैसे क्या अजीब इत्तेफाक है जी, आपका नाम और आपका साइज जो है ना बिल्कुल मेरी मस्ती से मिलता है। तुम्हें नहीं पता इस दुनिया में एक इंसान की 7 शक्लें हो सकती है, तो मेरा नाम और मेरी आवाज नहीं किसी से मिल सकती है। चलो अपनी शक्ल गुम करो। सुने जब वो नहीं नहीं कर लेना तो उनसे कहिएगा कि मुझे फोन करे फौरन। हाँ हाँ जब खोलेंगे तो करा देंगे बात। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ था संगम? सेठ साहब ने नहीं कर रहे हैं। हाँ वो नहीं करके फिर मुझे कॉल करेंगे। वैसे यार अजीब इत्तेफाक है, उनकी बीवी नूर जहाँ जो है वो बिल्कुल हमारी नूर जहाँ की तरह बात कर रही थी। फिर वो सेठ तो ना हुए ना? अजीब बात है, सेठ दिलावर की बीवी बिल्कुल नूर जहाँ की तरह बात कर रही थी और दांत भी मुझे वैसी रही थी। कहीं ये सेठ दिलावर की दूसरी बीवी तो नहीं? क्या सारी दूसरी बीवियां ऐसी होती हैं? तुम्हारा इस फोन की वजह से ना आज फंस जाना था मैंने, मैंने इसको बंद ही कर दिया है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पकड़ो ये अपना फोन तुम। बड़ा आया सेठ। हाँ हाँ नताशा डोंट वरी एट ऑल, बहुत से कपड़े मेरे पास लास्ट डे के। हाँ तुम्हारी चाची ड्राइव के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है मैं तुम्हें शाम को कॉल करती हूँ, बाय। कहाँ रखे थे कपड़े? स्टोर रूम में, जाकर चेक करूं कहीं चूहे तो नहीं खा गए। जले दिया। चोर 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 तो फंगम चोर।
की, ये तोते मुझे जमीन से मिले हैं। तुम्हें नहीं कह रही चोरों में चोर है तफंगम? चोर नूजा, तुमने चोर को देखा है? हाँ जी, नहीं जी, इसे क्या पता ये तो अंदर थी। तफंगम तुम जाओ ना, प्लीज चोर को पकड़ो। मैं उसे कैसे पकड़ू सुमेरा, अगर उसके पास कोई छुरी कांटा हुआ तो? आप बेफिक्र हो जाए, मैंने उसको बांध दिया। क्या तुमने उसे बांध दिया? कैसे? हाँ जी, वो रख चोर दिखाना, वो चोरी करने के लिए आया था ना, तो मैंने ना उसको फर लिया और मैं उसे गुथक गुथा हो गई और मैंने ना उसको ना बांध दिया है, बस बांध दिया ऐसे करके ना, कस के बांध दिया है। तो ना जी, मैंने सोचा आपको बात बताऊं। वाह, ओह माय गॉड, तो कितनी ब्रेव हो, इतना बड़ा खतरा मोल लिया तुमने। अब तुम पुलिस को बुला सकते क्या? नहीं, क्यों नहीं, एक सेकंड, मैं अभी एक मिस कॉल देता हूँ, तो यू बागी आएंगी, दौड़ी आएगी। नंबर क्या पुलिस का? 115 तफंगम। हाँ, 111115 क्रेडिट है, इतना है कि मिस कॉल चली जाएगी। दुआ करो वो फोन उठा ना ले। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, ले जाए इस चोर को। मैडम, ये चोर नहीं है, पागल है, 2 महीने से पागल खाने से भागा हुआ है। बेरा गड़क, शुक्र है इसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और शुक्र करो नूरजहां, इस सांड ने तुम्हें टक्कर नहीं मार दी, वरना तुम्हारा क्या हाल होता बेचारी का। ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब, ये तो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ, ये अपने आप को सेठ दिलावर कहता है, हर किसी से 50 लाख की इंश्योरेंस करवाते हैं, क्योंकि इसके साथ फ्रॉड हुआ है 50 लाख का, उस दिन से ये पागल हो गया। अब तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख। सबर करें जी, सबर करें। अच्छा ये बताइए कि इस पागल को पकड़ा किसने? इतना सिंपल सा जवाब है, एक पागल को पागल ही पकड़ सकता है ना। ये रही हमारी मासी, बड़ी बहादुर बहादुर। बस तो फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लो, मैं पहला पुलिस वाला देख रहा हूँ जो किसी पागल को पकड़ने पे मुबारकबाद दे रहा है। मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ कि इस पागल को पकड़वाने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। जी।